गाना है अरे लाजी टूटे ना को प्रसाद भी लगाते हैं लेकिन कहना है अरे भोजन से को प्रयोजन भगवान के लिए अरे भोजन से है क्या उनको प्रयोजन भाव के भूखे हैं भगवान परमात्मा भाव प्रेम का भूखा होता है तो कहना है अरे भोजन से है क्या उनको प्रयोजन अरे भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान कहना है शिवरी के आश्रम में प्रभु जी आए हैं अरे शिवरी के आश्रम में प्रभु जी आए हैं और झूठे पैर फीलनी के प्रभु खाए हैं भगवान राघवन सरकार ने झूठे पैर शिवरी के खाए हैं आप सभी लोग जानते हैं तो कहना है शिवरी के आश्रम में प्रभु जी आए हैं
और झूठे बेर भीलनी के प्रभु खाए हैं। अरे मन हो सुमन तन से क्या लेना। परमात्मा के लिए मन हो सुमन तो तन से क्या लेना। भाते हैं प्रभु को ऐसे भक्त जन, लेकिन कब कब अरे लागी लगन तो लगन टूटे ना। धैर्य धर्म छूटे ना। इसलिए कहना है क्या कि भोजन से है क्या उनको प्रयोजन। प्रेम के भूखे और ये पुरस्कार है सम्मानित श्री भरत सेठ फुसकेले जो ग्वारा से पधारे हैं, पदम सेठ फुसकेले सायगढ़ से जो आए हैं, रक्षपाल सिंह यादव जी लोड़ियारा संदेश, अच्छा शाकाहार करिए, ये संदेश लिखा है इन्होंने कि शाकाहार करिए और सदा सुखी रहिए, शाकाहार परिषद के निशुल्क सदस्य बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसलिए तो कहना है कि भोजन से है क्या अरे उनको प्रयोजन। प्रेम के भूखे हैं भगवान। बहुत जल्दी मैं दूसरी पंक्ति को सुनेगा। अरे पिप सुदामा विप सुदामा अरे विप सुदामा मित्र श्याम धर आए हैं। जब सुदामा जी भगवान कन्हैया के यहां पहुंचे उस समय, और ये बहुमूल्य पुरस्कार है हमारे, हाँ सम्मान्य श्री विनय शर्मा जी के कर कमलों द्वारा, और मैं उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। कहना है क्या अरे विप सुदामा, हा विप सुदामा मित्र श्याम घर आए हैं तब प्रेम के रस में, अरे प्रेम के रस में शने वो तंदुल खाए हैं। भगवान कन्हैया ने सुदामा के तंदुल खाए, चावल खाए हैं। तो कहना है क्या अरे खाए हैं क्यों क्यों
असुवन से भगवान कन्हैया ने असुवन से तेरे लोकी धनी ने, अरे असुवन से तेरे लोकी हरी ने धोए हैं सुधा माँ के चरण। भगवान कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को पखारा धोया है तो कहना है क्या? लेकिन क्यों गिला जी लगन तो लगन टूटे ना, लगन टूटे भोजन से है क्या उनको प्रयोजन, अरे प्रेम के भूखे में भगवन पुरस्कार नहीं मेरे लिए आशीर्वाद है हमारे पूजनीय दीपक द्विवेदी जी के कर कमलों द्वारा ये आशीर्वाद मिला है और इनका आशीर्वाद सदा मिलता रहता है। पूजनीय पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन है। अब ये द्विवेदी जी हो गए, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, कहना है अरे दुर्योधन के भगवान कन्हैया ने दुर्योधन के 56 भोजन त्यागे हैं, त्यागे हैं दुर्योधन के 56 भोजन त्यागे हैं, त्यागे हैं और बुंदेला वो भक्त विदुर घर भागे हैं, बुंदेला के भक्त विदुर घर भागे हैं, बुंदेला के भक्त विदुर घर भागे हैं। भगवान कन्हैया रे दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजनों को त्याग करके और विदुर काका के यहाँ दौड़ लगा दी और जैसे ही कहा कि काकी मुझे बहुत भूख लगी है, विदुरानी भागी, उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किस अवस्था में हूँ। और जब भगवान कन्हैया ने देखा तो अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और विदुरानी प्रेम में इतनी भूल गई कि भगवान कन्हैया को छिकले खाने को देने लगी और केले को फेंकने लगी। तब तब अरे दुर्योधन के, दुर्योधन के दुर्योधन के 56 भोजन त्यागे हैं और बुंदेला वो भक्त विदुर घर भागे हैं, अरे भागे हैं तो कहना है विदुरानी ने, हाँ विदुरानी ने खिलाए हैं छिकले भगवान कन्हैया को, अरे विदुरानी ने खिलाए हैं छिकले प्रभु ने खाए हैं होकर मगन। भगवान कन्हैया ने छिकले खाए, क्यों खाए, क्यों, अरे लागी लगन तो,
लागी लागी लगन तो लगन टूटे ना लगन टूटे ना धैर्य धर्म छूटे ना ए! तो भोजन से है क्या उनको प्रयोजन अरे प्रेम के भूखे हैं भगवान प्रेम के भूखे हैं भगवान और ये आशीर्वाद हमारे चाचा जी जिनके माध्यम से हमको यहाँ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इनका आशीर्वाद पाकर के मैं धन्य हो गया क्योंकि हमारे चाचा जी हमेशा ये कार्यक्रम करवाया करते हैं तो हमारे चाचा जी के माध्यम से आप सभी का दर्शन हुआ है और मैं चाचा जी का हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन प्रणाम करता हूँ चाचा जी को कहना है क्या अरे भोजन से है क्या उनको प्रयोजन भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे प्रेम के भूखे हैं भगवान